बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक शुरू। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की चल रही है बैठक और बैठक जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चल रही बैठक, अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह बैठक में मौजूद। राजस्थान के सीएम मदन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद। सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के हालात, विकास की रफ्तार, योजनाओं के फायदे समेत अन्य मुद्दों की देंगे जानकारी। केंद्र की योजनाओं से जनता को कितना फायदा, लोगों में योजनाओं को लेकर सकारात्मक या नकारात्मक पर चर्चा भी संभावना बनी हुई है और बैठक जारी है। बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक जहां पर राजस्थान से सीएम भरनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी बैठक में मौजूद और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद। और बीजेपी मुख्यालय में यह अहम बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक जारी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। योजनाओं पर मंथन पीएम मोदी ले रहे हैं फीडबैक और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक जारी है। और आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्यों के विकास कार्यों की रिपोर्ट ली जाएगी और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो जनता के हित में जा रही है उनके राज्यों में इस चीज की जानकारी ली जाएगी, तमाम तरह की जानकारी जुटाई जाएगी। और बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह मौजूद और तमाम दिग्गज नेता मौजूद और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक जारी। बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक जारी और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की चल रही है बैठक। और ज्यादा जानकारी के लिए राजीव हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। और इस बैठक में जो चर्चा चल रही है कि जनता का विश्वास कैसे जीता जाए, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका कितना फायदा जनता को मिल रहा है, राज्य सरकार की योजनाओं का कितना फायदा मिल रहा है, केंद्र सरकार की योजनाओं का कितना फायदा जनता को मिल रहा है, कौन सी वो योजना है जिनको जनता पसंद नहीं कर रही है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। देखिए अब बैठक जो है आज और कल भी ये बैठक होनी है, तो कहा जा सकता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे ठीक पहले दो दिन 25 और 26 तारीख को सभी राज्यों के जो संगठन मंत्री हैं उनके साथ बैठक हुई थी कि संगठन को कैसे राज्यों में कैसे भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत करेगी। और आज मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है, तो सभी मुख्यमंत्री जो है अपने अपने राज्य में क्या हालात हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, कौन सी ऐसी योजना है जिससे लोग ज्यादा प्रभावित हैं, लोगों को ज्यादा फायदा मिल रहा है, जो लोग ज्यादा उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, चर्चा में वो योजना बनी हुई है, तो इसको लेकर चर्चा की जाएगी। और अगर राज्य सरकार की कोई बहुत अच्छी योजना है जिससे लोगों को ज्यादा फायदा मिल रहा है तो दूसरे मुख्यमंत्रियों से भी कहा जाएगा कि आप लोग इस योजना को अपने राज्य में लागू कीजिए। तो माना जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। जी राजीव, देखिए राजस्थान से भी सीएम भरनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा बैठक में मौजूद हैं, तो क्या लगता है राजस्थान से क्या विकास की क्या रिपोर्ट जाने वाली है और किस तरीके की जो योजनाएं हैं उनकी चर्चा राजस्थान से बैठक में होगी? बिल्कुल, देखिए इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं। यह लोग भी अपने अपने हिसाब से जो है स्टेटमेंट रखेंगे, वहां पे स्टेटमेंट देंगे कि राज्य में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, राज्य सरकार की कौन सी योजना का सबसे अधिक फायदा आम जनमानस को हो रहा है, केंद्र सरकार की कौन सी योजना है जिससे राजस्थान के लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है, राजस्थान के लोग ज्यादा उसकी चर्चा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो अपने हिसाब से वो लोग अपनी बात रखेंगे और दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्री आज बताएंगे। या जो बैठक हो रही है, देखिए हर 4 महीने पे जो है मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होती है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो केंद्र सरकार की राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जनमानस को कितना फायदा मिल रहा है, जनमानस में उन योजनाओं को लेकर क्या कुछ
चर्चाएं हैं, कौन सी ऐसी योजना है जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो माना जा रहा है कि चूंकि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद यह बैठक है, तो माना जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। तो अब आने वाले समय में क्या कुछ करना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखिए कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठी थी, लेकिन उस हिसाब से नतीजे सामने नहीं आए। तो यह भी एक मुद्दा है, उपचुनाव कई राज्यों में हो रहे हैं, जैसा उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, वहाँ पे भी उपचुनाव है, राजस्थान में भी उपचुनाव है, तो उन उपचुनाव में कैसे जनमानस का भरोसा जीतना होगा, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी इस बैठक में। जी शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए।